नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय में जो बचपन में हम सब जिससे ग्रस्त हो रह चुके हैं। आज हम लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम लोग खुद जाया करते थे। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तमाम पेशेंट आते हैं क्लिनिक पर जिनको बच्चों को बार बार रिकरेंट टॉन्सिल्स होता रहता है, उनके टॉन्सिल्स इन्फ्लेम होते रहते हैं और वह उसके लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चे ठंडा गर्म करेंगे ज़रूर, पानी पिएंगे ज़रूर और फिर टॉन्सिल उनके इन्फ्लेम होंगे ज़रूर और वो फिर उससे परेशान होंगे ज़रूर। लेकिन होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएँ हैं टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए, टॉन्सिल्स ग्लैंड को पूरी तरह ख़त्म कर देने के लिए। आज हम बताएंगे टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। टॉन्सिलाइटिस साथियों टॉन्सिल्स का सूजन को कहते हैं। टॉन्सिल्स हमारे दोनों तरफ थ्रोट के साइड पे दो ग्लैंड्स होते हैं, थ्रोट के नीचे यहाँ पर, और जब वह इन्फ्लेम हो जाते हैं वो डिफेंस की फर्स्ट लाइन होते हैं। जब कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में मुँह के थ्रू एंटर कर रहा होता है, खासतौर से बच्चों के, तो टॉन्सिल्स ग्लैंड यहाँ पे इन्फ्लेम होके उस इन्फेक्शन को वहीं पे रोक लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और सूजे रहते हैं, और जब यहाँ इन्फेक्शन बार बार होने लगता है किसी चीज़ का, तो वो जब इन्फ्लेम्ड होते हैं उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन पर आ ही नहीं पाते हैं और वो फिर इन्फ्लेम्ड ही रह जाते हैं। उसी स्थिति को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। यह बहुत कॉमन दिक्कत है, जैसा हमने बताया, चेंज ऑफ वेदर में या जब ठंडा गर्मी का होता है, जब इन्फेक्शन फैलने का वक्त होता है, तो अक्सर बच्चों के टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। होम्योपैथी में टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं। आज हम बताएंगे आपको दवाओं के विषय में। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स टॉन्सिलाइटिस के, यहाँ पर थ्रोट के इस जगह पर अगर आपको कभी सूजन मिले, बच्चे को यहाँ पैल्पेट कर लीजिए, अगर वो गले में दर्द बता रहा है तो यहाँ पर अगर आपको स्वेलिंग मिले तो समझिए वही टॉन्सिलाइटिस है, यानी टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन यहाँ पर हो जाता है, जिससे बच्चे को कुछ भी खाने में दिक्कत होने लगती है, थ्रोट में कांटे गड़ने लगते हैं। अगर आप मुँह को खोल के देखेंगे तो अंदर दोनों तरफ यहाँ पर बल्जेस आपको दिखेंगे, यही टॉन्सिल्स के सिम्टम होते हैं। उसको गले में अगर तकलीफ़ हो, बाकी तमाम टेक्निकल सिम्टम होते हैं जिसमें कि येलो पैचेस टॉन्सिल पे आ जाते हैं, यहाँ पर हार्डनेस हो जाती है, उसको स्वेलिंग में दिक्कत होती है, ड्रिंक करने में कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, तो वह टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन होती है। टॉन्सिलाइटिस साथियों, इसके कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कॉजेस वायरल और बैक्टीरियल होते हैं। टॉन्सिल्स वायरस के इन्फेक्शन से भी होता है, जो कि 80% केसेस में होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, जो कि 20% होता है। तो जब आपको वायरस के कारण अगर टॉन्सिलाइटिस है तो उसमें एंटीबायोटिक्स यूजलेस हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है, काम नहीं करती है, इसीलिए आप लोग टॉन्सिलाइटिस से परेशान रहते हैं। और इसीलिए होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि होम्योपैथी की दवाएँ वायरस के कारण होने वाली टॉन्सिलाइटिस को भी बहुत जल्दी ठीक कर देती हैं। आज हम आपको बताएंगे टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों ये बता दें, यह प्रोग्राम आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना ले, क्योंकि टॉन्सिल के अन्य भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अन्य भी कारण हो सकते हैं, और वो आपका जो नियरेस्ट डॉक्टर है वही आपके लिए सही से जज करेगा। चलते हैं सफ़र पर साथियों, बताते हैं आपको टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की नंबर एक होम्योपैथिक दवा की, और नंबर एक दवा बच्चों से लेके बूढ़ों में, खासतौर से बच्चों में टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्बोनिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उन बच्चों को दे सकते हैं जिनको कि बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, उनका डेवलपमेंट आपको थोड़ा स्लो दिख रहा है, उनका लेट लर्निंग टू वॉक है, बचपन में वो गिरा करते थे, ठीक से चल नहीं पाते थे बच्चे, और धीरे धीरे वो चलने लगे अब, लेकिन उनके बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। तो बराइटा कार्ब हर उस सिम्टम की दवा पे है जहाँ पर आपको हाइपरट्रोफी हो। हाइपरट्रोफी मतलब ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाए, शरीर का कोई भी ग्लैंड अगर ज़्यादा एक्टिव हो रहा है,
हाइपरट्रोफी ऑफ ऑल ग्लैंड्स एक्सेप्ट मेमोरी ग्लैंड। उस स्थिति में टॉन्सिलाइटिस की सबसे अच्छी दवा बराइटा कार्ब है। आप बराइटा कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार देके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस से क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक कंडीशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है टॉन्सिलाइटिस के केस में वो है चेंज ऑफ वेदर। जब भी मौसम बदलता है बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल उसके सूज गए। अगर यह स्थिति आपके बच्चों में दिखती है या किसी को दिखती है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। बेलेडोना और कैल्केरिया कार। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जहाँ पे आपके टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हुए हों, आपके टॉन्सिल्स रेड हो गए हों, बिल्कुल लाल सूज गए हों, उनमें बहुत दर्द हो रहा हो, बहुत पेनफुल हो, अगर वह कंडीशन आप में है तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा बेलेडोना है। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके लाभ पा सकते हैं। इसी श्रृंखला की दूसरी बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार। कैल्केरिया कार 32 बूंद दिन में 3 बार आप उसी स्थिति में दे सकते हैं कि जब आपको ठंडक ज़्यादा लग रही हो, आपको कोल्डनेस महसूस हो रही हो, बच्चे के सर से बहुत पसीना आ रहा हो लेकिन पूरा शरीर ठंडा पड़ा हो और उसको कोल्ड हो। अगर वह स्थिति है जब ये चेंज ऑफ वेदर में हाइपर सेंसिटिविटी है और आपका बच्चा सुस्त पड़ा है, फीवर में पड़ा है, तो उस स्थिति में कैल्केरिया कार बहुत अच्छी दवा है। इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर बच्चे को पूरी तरह टॉन्सिलाइटिस से ठीक कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है कि बच्चे को हर 15 दिन पर बुखार हो रहा है, तो अगर बच्चे को हर 15 दिन पे एवरी 4 टाइम बुखार हो रहा है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। और दो दवाएं हैं बल्कि जो हमने पहले भी बताई है बीच में, ट्यूबरकुलिनम और कैल्केरिया कार। केवल आप एक डोज ट्यूबरकुलिनम की दे दें उसे जीवन में बस एक बार, और कैल्केरिया 1 AM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली 1 महीने तक दे दें। आप देखेंगे उसका रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस जो हर 15 दिन पे आपको डॉक्टर के पास जाने पे मजबूर कर रहा है वह ठीक हो गया और आप डॉक्टर के पास जाने से बच गए। एक कंडीशन टॉन्सिलाइटिस में आती है जब पेशेंट रिपोर्ट करता है कि उसकी थ्रोट में बहुत पेन हो रहा है, वह कान तक जा रहा है। अगर यह स्थिति आप में दिखती हो किसी को, यह स्थिति होती हो कि उसकी थ्रोट बहुत पेनफुल है और वह कान तक पेन जा रहा है, तो उस स्थिति में थ्रोट पेन के टॉन्सिलाइटिस में होने वाले थ्रोट पेन के सिम्टम के आधार पर टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है मर्क सॉल्युबिलिस। आप मर्क सॉल्युबिलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके जो थ्रोट का पेन है वो भी ख़त्म हो गया, उससे जो कान को जा रहा है वो भी पेन ख़त्म हो गया, और आपके जो है वह जो एक बदबू सी आ रही है मुंह से, फीटेड स्मेल आ रही है जो मर्क्सॉल के पेशेंट में आती है, वह भी ठीक हो गई और आपको टॉन्सिलाइटिस से निजात मिल गई। एक स्थिति टॉन्सिलाइटिस में आती कि टॉन्सिल्स पक गए, यह एक बड़ी कॉमन स्थिति हो सकती है, बहुत लोगों को हो सकती है कि उनके टॉन्सिल्स पक गए। यदि यह स्थिति आप अपने में या किसी में देखते हैं तो उस स्थिति में जो ये एब्सेस होता है उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हिपरसल्फ। आप हिपरसल्फ 1 AM पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली पेशेंट को दे देंगे। आप देखेंगे कि उसका जो यह टॉन्सिल का एब्सेस है, पेरी टॉन्सिलर एब्सेस है, यह पूरी तरह ठीक हो गया और आपका मरीज टॉन्सिल के पकने से बच गया और सब्सिक्वेंटली आपका मरीज धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। फिर साथियों लेफ्ट साइडेड टॉन्सिलाइटिस की 2 बहुत कारगर दवाएं हैं। अगर आपके लेफ्ट साइड टॉन्सिलाइटिस है तो उसकी होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है लिकैसिस और दूसरी दवा है मर्क आयोड्यूबर। लिकैसिस 1 AM पावर की 3 खुराक 55 मिनट के डिफरेंस पे आप उसी स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपसे कुछ भी स्वॉलो नहीं हो रहा, आप पानी भी स्वॉलो नहीं करा पा रहे और आपके बाई तरफ का टॉन्सिल बहुत स्वेल कर गया है, उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लिकैसिस है। लिकैसिस के मरीज की तकलीफें रात में सोने के बाद बढ़ती हैं, तो यानी अगर बच्चा रात में ज़्यादा तकलीफ कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा लिकैसिस है। आप लिकैसिस का इस्तेमाल करके निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। दूसरी कारगर दवा इसी स्थिति की है मर्क आयोड्यूबर।
मर्क आयोट्यूबर बहुत कारगर दवा है इसकी टॉन्सिलाइटिस की। जिस स्थिति में आपको कुछ भी निकलने में बहुत तकलीफ हो रही हो और आपको गर्म चीज़ पीने से भी दिक्कत हो रही हो, या सिम्टम लिकेसिस में पाया जाता है कि आपको गर्म चीज़ जब आप पीते हैं तो बहुत दिक्कत होती है और आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन लिकेसिस और मर्क आयोट्यूबर में फ़र्क यह है कि लिकेसिस रात में तकलीफें बढ़ती है और मर्क आयोट्यूबर की दिन में बढ़ती है, और मर्क आयोट्यूबर में बहुत ऑफेंसिव ऑडर भी आता है मरीज के मुंह से, और लिकेसिस में एक पेन आता है जो कि ईयर तक कान तक जाता है। तो ये दोनों बहुत कारगर दवा है आपके लेफ्ट साइड टॉन्सिलाइटिस की। आप लिकेसिस की 1 खुराक वीकली ले सकते हैं और मर्क आयोट्यूबर आप 3x पावर में 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार लेकर अपने को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों आती है स्थिति राइट साइड टॉन्सिलाइटिस की। आपके राइट साइड का टॉन्सिल बहुत स्वेल कर गया, इसकी होम्योपैथी में 2 कारगर दवाएँ हैं। पहली दवा है मर्क आयोट फ्लेवर्स और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। मर्क आयोट फ्लेवर्स 3x पावर पे आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार उसी कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको निकलने में कुछ भी दिक्कत हो रही हो और आपके बाईं तरफ के टॉन्सिल में बहुत पेन हो, तो मर्क आयोट फ्लेवर्स आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। और लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद इस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको ठंडी चीज़ें पीने से बहुत तकलीफ हो रही है और गर्म चीज़ों से आपको गले में आराम मिल रहा है। आपका लाइकोपोडियम के मरीज का पेट अक्सर खराब रहता है, पेट में गैस की गुहाहट बनी रहती है और उसकी तकलीफें शाम को 4 बजे के टाइम पे बढ़ती हैं। तो अगर यह सिम्टम आप में हों तो आपके लिए लिकेसिस बहुत अच्छी दवा है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम लेके लाभ पा सकते हैं। एक कंडीशन साथियों आती है टॉन्सिलाइटिस में कि टॉन्सिल इतना बढ़ा है कि खाना कुछ नीचे नहीं उतर और खाना नाक से निकला जा रहा है। अगर यह कंडीशन आप में होती है कि खाना जो है वह थ्रोट से नहीं उतर रहा और नाक से ही निकला जा रहा है, उस कंडीशन को भी होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ओपियम। आप ओपियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपका टॉन्सिलाइटिस भी ठीक हो जाएगा और जो वह कैफियत है कि आपने खाया मुँह से और खाना निकला नाक से, वह स्थिति भी खत्म हो जाएगी। एक स्थिति आती है टॉन्सिलाइटिस में कि आपको टॉन्सिलाइटिस और कान में बहुत पेन हो रहा है। अगर यह स्थिति आप में होती कि आप जैसे ही कुछ निकलते हैं जितनी बार कुछ सॉलो करते हैं तो आपके ईयर में पेन होता है, तो अगर यह स्थिति आप में हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फाइटोलका। आप फाइटोलका डिकेंड्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर अपने टॉन्सिलाइटिस के कारण होने वाले ईयर पेन को भी सही कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली आप टॉन्सिलाइटिस को भी ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति टॉन्सिलाइटिस में थोड़ी क्रॉनिक आती है कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हुआ, उसके थ्रोट में स्पाज्म आ गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया और उसको सुनना देना बंद हो गया। तो यदि यह स्थिति किसी के सामने आती है कि उनके थ्रोट में कॉन्ट्रैक्शन आ जाए और उनको सुनना भी बंद हो जाए, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लॉरोसिरेसस। आप लॉरोसिरेसस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, इससे आपके बच्चे का थ्रोट में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं स्पास्मोडिक वह भी ख़त्म हो जाएंगे और बच्चे का टॉन्सिल भी सही हो जाएगा और उसका कान भी जो है वह खुल जाएगा। तो लॉरोसिरेसस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस केस। अगर आपका बच्चा आपको टॉन्सिल में पेन ज़्यादा बताता है, प्रिकिंग टाइप चुभन टाइप दर्द हो रहा है टॉन्सिल में, तो अगर वह स्थिति बताता है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सैलिसिया। यदि बच्चे को टॉन्सिल में पेन हो रहा है प्रिकिंग टाइप, तो आप बच्चे को सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, इससे बच्चे का पेन भी ख़त्म हो जाएगा और उसको जो ठंड लग रही है, सैलिसिया का पेशेंट बेसिकली उसको ठंड बहुत लगती है, वो चिली होता है, तो उसकी ठंडक भी ख़त्म हो जाएगी, उसके पैर जो ठंडे पड़े रहते होंगे वह भी ख़त्म हो जाएंगे और उसका टॉन्सिल भी ठीक हो जाएगा। जैसा हमने आपको बताया था कि 80% जो केस हैं टॉन्सिलाइटिस के वो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं और 20% जो केस हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेप्टोकोकिनम। आप स्ट्रेप्टोकोकिनम 30 पावर में 2-2 बूंद ले सकते हैं। आप देखेंगे
या इसकी 1 AM पावर की 3 खुराक आप वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो टॉन्सिल है वह इन्फेक्शन ठीक हो गया और बार बार ये इन्फेक्शन नहीं हुआ, जो रिकरेंट इन्फेक्शन है वह नहीं हुआ और आपका टॉन्सिल पूरी तरह ठीक हो गया। अब एक स्थिति आती है जो बच्चा है उसे बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, हर महीने आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और डॉक्टर को पैसा देना पड़ रहा है टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने का। तो अगर यह स्थिति आप में बच्चे में होती है कि बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवाएँ हैं दो हैं बल्कि, ट्यूबरकुलिनम और ब्राइटा कार्ब। ट्यूबरकुलिनम 1 AM की केवल एक खुराक आप बच्चे को जीवन में एक बार दे दें। ट्यूबरकुलिनम ऐसी दवा है जो कहा जाता है जीवन में 2 बार से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, तो ट्यूबरकुलिनम 1 AM की एक खुराक बच्चे को दे दें और ब्राइटा कार्ब 32 बूंद उसकी 3 बार महीने भर तक चला दें। आप देखेंगे कि उसको रिकरेंट टॉन्सिल नहीं हुआ और उसका टॉन्सिल ठीक होने लगा। सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो एक स्वाभाविक कंडीशन आती है टॉन्सिलाइटिस में, वह ये है कि टॉन्सिलाइटिस की शुरुआत हो रही है। तो अगर किसी में टॉन्सिलाइटिस की शुरुआत हो रहा है, उसका टॉन्सिल बच्चा का थोड़ी सी तकलीफ पहले दिन बताए, उसे फीवर आ जाए और थोड़ी सी तकलीफ वो बताए, तो उसी कंडीशन को वहीं पर टॉन्सिल को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एकोनाइट निप्लस। आप एकोनाइट निप्लस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दे दें। आप देखेंगे कि जो बच्चे का ऑनसेट है टॉन्सिलाइटिस शुरू होने का वक्त है, वहाँ पल ही वो ठीक हो गया और आपको आके ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, और बच्चा वास्तव में जिसको मर्ज है उसको भी परेशान नहीं होना पड़ा। एक कंडीशन आती है कि टॉन्सिलाइटिस है और साथ में फीवर बहुत आ गया, जाहिर सी बात फीवर आता है, टॉन्सिल होता है तो फीवर आता है, लेकिन यह फीवर तेज है अगर, तो उस स्थिति में आप टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा होगा, तो टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए आप स्ट्रेप्टोकोकिन दवा दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकिन 1 AM पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर यदि आप वीकली दे सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका बच्चे का फीवर भी उतर गया और उसका टॉन्सिलाइटिस भी ठीक हो गया। एक कंडीशन आती है कि बच्चे को बार बार टॉन्सिल हो रहा है, लेकिन जब टॉन्सिल ठीक होता है वो खाता भी खूब है, लेकिन उसका भूख भी बहुत लगती है, लेकिन उसका वेट भी लॉस हो जा रहा है, यानी कि टॉन्सिलाइटिस विथ वेट लॉस। तो अगर यह कंडीशन आप में हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है आयोडम। आयोडम उस हर दुबले पतले बच्चे को दी जा सकती है 1 AM पावर की 3 खुराक वीकली, जिसको कि वेट लॉस हो रहा हो और साथ में टॉन्सिलाइटिस हो, तो आयोडम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट काइंड ऑफ पेशेंट्स। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको टॉन्सिलाइटिस को विषय में समस्या को खत्म करने के लिए, ये बहुत कारगर दवाएं हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे बिना डॉक्टर से पूछे दवा ना ले, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से आपकी दवाएं भिन्न भी हो सकती हैं, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिखकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, होम्योपैथी को आपके करीब लाने का यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाकर सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका हमारा साथ देने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।